चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन रहा। नामांकन के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां कांग्रेस जयपुर शहर लोकसभा सीट के प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरा। ज्योति खंडेलवाल के कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही यहां नगर निगम महापौर विष्णु लाटा, विधायक गंगा देवी, अमीन कागजी पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने एक सभा भी की, जिसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे। अनिल जी, अच्छा खासा आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस का जयपुर में। जी, प्रताप सिंह खचरेवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी और MLA सिविल लाइन्स के, महेश जोशी मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा में और MLA हवा महल के जी, और कांग्रेस के और MLA रघु शर्मा खासतौर पर जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, सचिन पायलट थे, विवेक बंसल भी थे जो प्रभारी हैं, सचिव हैं राजस्थान के जी। तो जगह जगह जहाँ जहाँ नामांकन हो रहे हैं वहाँ ये तय किया गया था पहले ही कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ साथ जाएंगे, रघु शर्मा भी साथ जाते हैं, अविनाश पांडे आज महाराष्ट्र में होने कारण नहीं आ पाए वरना वो भी साथ होते जी। और ऐसा शक्ति प्रदर्शन नामांकन के साथ करना शक्ति प्रदर्शन नहीं है दरअसल जी, ये अपने कार्यकर्ताओं को एग्रीवेट करना, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, जोश में भरना वगैरह वगैरह की श्रेणी में आता है जी। तो ये जहाँ भी नामांकन भरवाने जा रहे हैं दोनों साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, रघु शर्मा भी साथ हैं और यहाँ भी महेश जोशी और दूसरे विधायक मौजूद थे, महेश लाटा मौजूद थे जो यहाँ के महापौर हैं, विष्णु लाटा जी वो भी मौजूद थे, कई पार्षद, दो पार्षद ने कांग्रेस ज्वाइन भी किए यहाँ पर जी। और घनश्याम तिवाड़ी खासतौर पर मौजूद थे जो अभी हाल ही में कांग्रेस में आए BJP से, और अशोक गहलोत ने उनका नाम लेकर भी जिक्र किया कि संघ ने उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं की, इतने साल संघों के प्रमुख व्यक्ति थे, निष्ठावान थे, सब कुछ थे, इनके साथ पार्टी में घोर अन्याय हुआ BJP में, संघ ने रोकने की कोशिश नहीं की इस अन्याय को, इसलिए आज हमने इनको अपने साथ लिया है, इसलिए आज ये हमारे साथ हैं। तो दरअसल रघु शर्मा, महेश जोशी और घनश्याम तिवाड़ी, इनकी मौजूदगी उस तथ्य को नकारने के लिए है कि जयपुर सीट ब्राह्मण सीट है और BJP ने ब्राह्मण को टिकट दिया है, इसलिए सारे ब्राह्मण एकजुट होके रामचरण बोहरा को ही टिकट वोट देंगे। ये BJP का जो कंसेप्ट है या धारणा है जो फैलाई जा रही है, ये अवधारणा को तोड़ने के लिहाज से ये तीन बड़े ब्राह्मण लीडर यहाँ मौजूद थे और BD कल्ला भी मौजूद थे पर वो बीकानेर के हैं। जयपुर में चूंकि छात्र संघ अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी के दोनों, रघु शर्मा भी, महेश जोशी भी, यूँ छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरेवास भी रहे, पर अगर मैं ब्राह्मणों के लिहाज से बात कर रहा हूँ तो वो जो मिथ है या अवधारणा है BJP की कि ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण जीतेगा, गिरधरलाल भार्गव जीतते थे लगातार, तो उनका अपना व्यवहार था, वो उसके अपने कारण से, और पिछली बार रामचरण बोहरा जीते तो वो मोदी लहर थी और महेश जोशी जीते वो भी अपने हिसाब में एक लहर थी, लेकिन उस अवधारणा को तोड़ने के लिए तीन बड़े ब्राह्मण लीडर भी मंच पे थे, चौथे BD कल्ला भी थे, और साथ में कांग्रेस ने एक वैश्य को टिकट दिया है जो महापौर रह चुकी हैं और उनके पॉलिटिकल करियर के आधार पर जब वो महापौर थी तब उन्होंने किस तरह का काम किया और महापौर के नाते, क्योंकि जनरल वोट से बनी गई थी महापौर, पहला डायरेक्ट चुनाव था, डायरेक्ट चुनाव थी वो भी एक तरह का लोकसभा चुनाव ही हो गया था, बिल्कुल पूरे जयपुर शहर का था, तो इसलिए वो जन जन में उनकी पहचान है, इसलिए कांग्रेस उनको टिकट दिया है उनके पॉलिटिकल वर्क को देख के। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के संकेत ऐसे हैं कि यहाँ कड़ी टक्कर होगी और इस कड़ी टक्कर में शायद जातिवाद की बजाय प्रत्याशियों की खुद की काबिलियत, खुद का एफर्ट, चुनाव मैनेजमेंट और पार्टी की एकजुटता जी। अगर कांग्रेस में भीतरघात हुआ, MLA कांग्रेस के ज़्यादा हैं, महेश जोशी हैं, रफीक खान हैं, अमीन कागजी हैं जी। ये हमारे प्रताप सिंह खाचरेवास हैं, इतने MLA हैं कांग्रेस के, और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस इनकी विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त नहीं ला पाती है तो ये दुर्भाग्यजनक माना जाएगा। और मालवीय नगर की भी BJP की जीत कुल 1600 वोट की थी, इसलिए मालवीय नगर में भी नेक टू नेक फाइट है, तो इसलिए अगर ये पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी ईमानदारी से चुनाव को, तो मैं नहीं समझता कि इस फाइट को कोई भी रोमांचक होने से रोक सकता है। वैसे भी जो ज्योति खंडेलवाल एक जुझारू महिला के रूप में उनकी पहचान है, वैश्य वर्ग से आती हैं, महिला हैं, तो ये सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है महिला होना, क्योंकि जब वोट मांगने जाती हैं तो निश्चित तौर पर घरों में एक सहज स्वभाव होता है नारी का, नारी के प्रति, तो वो एक उनको आकर्षण या उनको एक भाईचारा, बहनचारा कह लें इसको, जी जी जी, नया शब्द कहता हूँ,
लेकिन वो एक देखने को मिलता है। और महिलाएं महिला को देखकर थोड़ी ज्यादा नजदीक आती हैं और एफिलिएशन फील करती हैं, भावुकता के वश वोट देने के लिए उत्साहित हो सकती हैं, ये भी माना जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है जयपुर में टक्कर कांटे की होने जा रही है, ऐसा लग रहा है, अगर कांग्रेस एकजुट है तो।